खबरों का नॉनस्टॉप सिलसिला आपके सामने रखेंगे, वो भी पूरे विश्लेषण के साथ। और सबसे पहले जिक्र केजरीवाल सरकार में एक मंत्री साहब का। जी हाँ, केजरीवाल के एक और मंत्री फंस गए हैं। मंत्री संदीप कुमार की आपत्तिजनक सीडी सामने आई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महिला और बाल विकास मंत्री संदीप कुमार को एक आपत्तिजनक सेक्स सीडी सामने आने के बाद पद से हटा दिया है। ये सीडी कुछ दिनों से सर्कुलेशन में थी और बुधवार को एलजी को मिली और शाम होते होते न्यूज चैनलों के पास पहुंच गई। तब जाकर केजरीवाल ने उन्हें बर्खास्त किया। सुल्तानपुर माजरा सीट से विधायक हैं संदीप कुमार। केजरीवाल सरकार में महिला और बाल विकास मंत्री बने। भिखारियों को दिल्ली से हटाने के लिए चलाया अभियान। विरोध के बाद केजरीवाल ने इस योजना को किया बंद। और आपत्तिजनक सीडी सामने आने के बाद पद से हटाए गए मंत्री संदीप कुमार अपनी सफाई देते नजर आए। सबसे पहली बात तो ये खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा दलित होने का। ठीक है, मैं गरीब हूँ और दलितों में महादलित हूँ, वाल्मीकि समाज से हूँ, और ये जब से प्रतिमा लगाई है जब से लोगों की आंखों में चुभ रहा हूँ मैं। ठीक है, और ये बिल्कुल जो है ना, मैं इसमें नहीं हूँ और बिल्कुल तथ्यहीन चीज है और ये जांच का विषय है। आप लोग बिना मेरा पक्ष जाने उल्टा सीधा जो भी चला रहे हो, ये तो हमारे भगवान की दया से पारिवारिक संबंध बहुत ठीक है। मेरी घरवाली, हमारा पूरा परिवार मेरे साथ है। मैंने अपना नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है और उसमें अगर आप लोग इस बात को घुमाने की कोशिश कर रहे थे, बिल्कुल गलत है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महिला और शिशु कल्याण मंत्री की आपत्तिजनक सीडी सामने आने के बाद सभी पार्टियों से ने सीएम केजरीवाल पर निशाना साधा। वीडियो तो 15 दिन पहले आ गया था और मुख्यमंत्री जी उसकी जानकारी थी और एक सीडी नहीं, कई सीडी पहले भी आ चुकी है, लेकिन कभी आम आदमी पार्टी ने अपने मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, हमेशा डिफेंड किया है। लेकिन जब सीडी मीडिया में आ गई तो सरकार के पास कोई चारा नहीं था। ये देखा जाता है कि केजरीवाल तब एक्ट करता है जब बिल्कुल मीडिया में खुलासा होने का एकदम तुरंत बात हो या फिर जब डिनायबिलिटी ना रह जाए तब जाकर एक्ट करता है। तो इसलिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर केजरीवाल के पास 15 दिन पहले ये सीडी या इस तरह की कंप्लेंट्स आ चुकी थी। हमारे प्रजातंत्र में यही लोग चिल्लाने वाले थे कि प्रजातंत्र की प्रक्रियाओं में ये बात होनी चाहिए कि रेफरेंडम, जिसका मतलब वापस बुलाने का अधिकार। ये लोग थे जो मोहल्ला सभा की बात कर रहे थे, ये लोग रहे थे जो रामलीला ग्राउंड में शपथ ले रहे थे कि हम जनता के बीच में शपथ लेंगे और मेट्रो में आए। एक एक चीज इनकी अब मुखौटा उतरता जा रहा है। शुभ हूँ कि महिला कल्याण मंत्री इस तरह के काम में फंसते हैं। बहुत दुखी इसलिए भी हूँ कि अंततः जनता का मन में भावना यही जाती है कि राजनीति में तो यही चलता है, जो एविडेंस आने के बाद मंत्री को हटा दे। ये तो सब पार्टियां करती हैं, कांग्रेस और बीजेपी भी करती है। तो ये आम आदमी पार्टी के तीसरे मंत्री रहे जिन्हें हटाना पड़ा और इसी के बाद आम आदमी पार्टी के तारे गर्दिश में भी दिखते हैं। आम आदमी पार्टी के तारे गर्दिश में आ गए हैं, जो अरविंद केजरीवाल के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। देश में आम आदमी पार्टी ने विधायकों की जेल के मामले में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। केजरीवाल के 12 विधायक अब तक खा चुके हैं जेल की हवा। सोमनाथ भारती की पत्नी के उत्पीड़न मामले में हुई गिरफ्तारी। दिनेश मोहनिया को महिला से बदसलूकी के मामले में पुलिस ने उठाया। अमानतुल्ला खान की महिला उत्पीड़न मामले में हुई गिरफ्तारी। जितेंद्र तोमर फर्जी सर्टिफिकेट मामले में 21 जून 2015 में जेल गए। मनोज कुमार महिला से मारपीट और फर्जीवाड़ा मामले में जेल गए। कमांडो सुरेंद्र सिंह एनडीएमसी कर्मी से मारपीट के मामले में जेल गए। अखिलेश त्रिपाठी हिंसा के मामले में हुए गिरफ्तार। जगदीप सिंह की कूड़ा विवाद में 29 मई 2016 को हुई गिरफ्तारी। शरद चौहान, नरेश यादव, प्रकाश जारवाल भी हुए गिरफ्तार। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर दिल्ली के उपराज्यपाल पर टिप्पणी की है। विवादित बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इस बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग पर हमला बोला है। उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग को लेकर विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि नजीब जंग भी केजरीवाल की तरह ही 420 हैं। हमें दिल्ली में कोई संघ का आदमी चाहिए।
सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया था जेएनयू को राष्ट्रद्रोहियों का अड्डा। स्वामी ने दलित छात्र की खुदकुशी के मामले में विरोध कर रहे छात्रों की तुलना कुत्तों से की। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे और मुसलमानों का डीएनए हम हिंदुओं का ही है। भारतीय जनता पार्टी ने उन लोकसभा सीटों पर पार्टी को मजबूत बनाने की रणनीति अपनाई है जहां वो कमजोर है। भारतीय जनता पार्टी ने उन लोकसभा सीटों पर पार्टी को मजबूत बनाने की रणनीति बनाई है जिनमें वो वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में हार गई थी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी के 52 राज्यसभा सांसदों से कहा है कि वो अपने अपने राज्य की ऐसी एक एक उस लोकसभा सीट को चुने जहां पिछले चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, उस लोकसभा क्षेत्र में विकास करें और पार्टी को मजबूत करें। अमित शाह ने पार्टी के 52 राज्यसभा सांसदों को दिए निर्देश। पार्टी के 52 राज्यसभा सांसदों को एक एक क्षेत्र लेना होगा गोद। सांसद निधि व्यय करने और पार्टी को मजबूत करने के निर्देश। अपने अपने राज्य की एक एक सीट चुननी होगी। आईएसआईएस के शीर्ष आतंकवादी और प्रवक्ता मोहम्मद अल अदनानी को मार गिराने का रूस का दावा अमेरिका ने मानने से इनकार कर दिया है। आईएसआईएस के शीर्ष आतंकवादी और प्रवक्ता मोहम्मद अल अदनानी को मार गिराने का रूस का दावा अमेरिका ने मानने से इनकार कर दिया है। पेंटागन ने कहा है कि अमेरिका के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है जो रूस के इस दावे का समर्थन करती हो। पेंटागन ने कहा था कि उसने सीरिया के अलबाब क्षेत्र में अदनानी के खिलाफ हमला किया जिसके एक दिन बाद रूस ने यह दावा किया। हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं जो रूस के दावे का समर्थन करती हो। अमेरिका ने कहा वो अब भी हमले के परिणामों का मूल्यांकन कर रहा है। कुक ने कहा रूस ने अपनी सैन्य मुहिम में अधिकतर असद शासन का सहयोग किया है। एनसीआर में हुई बारिश ने अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी को भी जाम में फंसा दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी भारत दौरे पर आए हुए हैं। केरी तो आए भारत और अमेरिका के रिश्ते में नई जान डालने के लिए, लेकिन उनका यह दौरा अलग वजहों से यादगार बन गया। दिल्ली में हो रही मूसलाधार बारिश से राजधानी की हालत ऐसी बदतर हुई कि अमेरिकी विदेश मंत्री इस दौरे को जिंदगी भर कभी नहीं भूल पाएंगे। एयरपोर्ट से आते वक्त अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी एक घंटे जाम में फंसे रहे। बारिश से लगे जाम की वजह से केरी के कई कार्यक्रम रद्द करने पड़े। दिल्ली आईआईटी पहुंचे केरी वहां मौजूद छात्रों की भीड़ देखते हुए आश्चर्यचकित। केरी ने छात्रों से पूछा, आप नाव से यहां आए हैं? जॉन केरी ने छात्रों से कहा कि वाकई मैं आपको सैल्यूट करता हूं। सेना प्रमुख भी ट्रैफिक जाम के चलते एक प्रोग्राम में देरी से पहुंचे। इधर रिलायंस जियो की शुरुआत हो गई है। रिलायंस का दावा है कि सबसे सस्ता होगा रिलायंस जियो। रिलायंस एजीएम की शुरुआत हो गई है। अपने उद्घाटन भाषण में कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा, जियो प्रधानमंत्री और देश की 120 करोड़ जनता को समर्पित है। जियो पर कॉल पूरी तरह मुफ्त। जियो पर रोमिंग में भी कॉल मुफ्त। जियो में 50 रुपए में मिलेगा 1 GB डाटा। 5 पैसे प्रति MB डाटा देगा जियो। दुनिया में सबसे सस्ता 4G डाटा प्लान। 3,000 रुपए में मिलेंगे जियो के 4G फोन। तो इस अच्छी खबर के बाद यूपी के विधायकों के लिए भी अच्छी खबर, जिनकी तनख्वाह बढ़ गई है। यूपी में भी विधायकों की सैलरी बढ़ गई है और इसको लेकर विधानसभा में वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव पास हो गया। अब विधायकों की सैलरी 1,71,000 रुपए हो गई है। इसके साथ ही पूर्व विधायकों की सैलरी में भी इजाफा किया गया है। पूर्व विधायकों की सैलरी 10,000 से 25,000 रुपए हो गई है। देश में तेलंगाना के विधायकों की है सबसे ज्यादा सैलरी। तेलंगाना में विधायकों की सैलरी 95,000 से बढ़कर 2,50,000 रुपए की गई। मध्य प्रदेश में विधायकों की सैलरी 1,10,000 रुपए। दिल्ली के विधायकों की सैलरी बढ़ाकर 88,000 से 2,35,000 रुपए की गई। छत्तीसगढ़ के विधायकों की सैलरी 75,000 की बजाय 1,10,000 की गई। यूपी में विधायकों की सैलरी हुई 1,71,000। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के सिंगूर में टाटा नैनो प्रोजेक्ट को एक बड़ा झटका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के सिंगूर में टाटा नैनो प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित की गई करीब 1,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण रद्द कर दिया है। टाटा के साथ साथ इसे वाम दलों के लिए भी जोरदार झटका माना जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन बुद्धदेव भट्टाचार्य सरकार पर
कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार ने सत्ता के साथ फ्रॉड किया। सुप्रीम कोर्ट ने टाटा नैनो प्रोजेक्ट की करीब 1000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया रद्द। अधिग्रहण साल 2006 में वाम सरकार के कार्यकाल के दौरान किया गया। कोर्ट ने कहा प्राइवेट कंपनी के लिए जमीन अधिग्रहण करना जनहित का फैसला नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को जमीन लौटाने के लिए 12 हफ्ते का वक्त दिया। फैसले को टाटा के साथ साथ वाम दलों के लिए भी जोरदार झटका माना जा रहा है। अमेरिका और भारत के बीच हुए समझौते से चीन डरा हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका और भारत के बीच साजो सामान से जुड़ा सैन्य समझौता होने के बाद ओबामा प्रशासन ने कहा है कि चीन को इन दोनों देशों के बीच के मजबूत संबंधों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। किबरी दरअसल भारत और अमेरिका के बीच हुए रक्षा समझौते पर चीन की प्रतिक्रिया से जुड़े सवाल का जवाब दे रहे थे। किबरी ने कहा हम दोनों ही लोकतांत्रिक देश हैं। वैश्विक मंच पर भारत अमेरिका के साथ अद्भुत अवसर हैं। दोनों देशों के बीच के मजबूत संबंधों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इधर रामदास अठावले ने अगड़ी जातियों के लिए आरक्षण देने की बात की। दलित नेता और सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने अगड़ी जातियों के लिए आरक्षण की मांग की है। उन्होंने कहा कि वह हमेशा हर जाति के गरीब को आरक्षण देने के पक्ष में रहे हैं, चाहे वह गुजरात के पटेल, महाराष्ट्र के मराठा, ब्राह्मण और हरियाणा के जाट क्यों ना हो। अनुसूचित जाति के लिए 15% आरक्षण, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% आरक्षण की व्यवस्था, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई। देश में टोटल आरक्षण 49.5% हो गया। 50.5% आरक्षण जनरल कैटेगरी के लिए रखा गया, जो कि एससी एसटी ओबीसी के लिए भी खुला है। अंतरिक्ष से आई एक रहस्यमय आवाज को लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिकों में एक सनसनी मची है। अंतरिक्ष से आई एक रहस्यमय आवाज को लेकर दुनिया भर की ऑब्जर्वेटरीज में एक सनसनी सी मच गई है। वैज्ञानिक इसकी तस्दीक और स्रोत की पहचान करने में जुटे हैं। ये सिग्नल एक रूसी प्रयोगशाला के एक रेडियो टेलीस्कोप ने 15 मई 2015 को रिसीव किया था, जो धरती से करीब 95 प्रकाश वर्ष दूर एक तारे HD 16495 से यहाँ तक पहुँचा। इस तरह के स्पष्ट सिग्नल सिर्फ कोई विकसित सभ्यता से ही भेज सकता है। धरती से करीब 95 प्रकाश वर्ष दूर एक तारे HD 16495 से यहाँ तक पहुँचा। SETI ने उस तारे पर नजर रखना शुरू किया, लेकिन कुछ हासिल नहीं कर सके। सिंगापुर में 13 भारतीयों के जिका वायरस के टेस्ट पॉजिटिव पाए गए हैं। सिंगापुर में 13 भारतीयों के जिका वायरस टेस्ट पॉजिटिव पाए गए हैं। विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने रॉयटर्स से एक जवाब में कहा, सिंगापुर में हमारे मिशन के अनुसार 13 भारतीय नागरिकों के जीका टेस्ट पॉजिटिव मिले हैं। सिंगापुर में 13 भारतीयों के जीका वायरस के टेस्ट पॉजिटिव पाए गए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने की पुष्टि। जीका वायरस से गर्भ में ही भ्रूण के मस्तिष्क का विकास रुक जाता है। सिंगापुर में मच्छर जनित इस संक्रमण से पीड़ितों की संख्या कुल 115 हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 400 से भी ज्यादा कार्यकर्ताओं ने घोषणा की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 400 से भी ज्यादा कार्यकर्ताओं ने घोषणा की है कि वे राज्य आरएसएस प्रमुख सुभाष वेलिंगकर की बर्खास्तगी के विरोध में इस्तीफा दे रहे हैं। राज्य इकाई के एक नेता ने कहा, सभी जिला इकाइयों, जिला उप इकाइयों तथा शाखाओं के सभी पदाधिकारियों तथा सैकड़ों अन्य ने इस्तीफा देने का फैसला किया है, जब तक सुभाष वेलिंगकर को पुनः स्थापित नहीं किया जाता। आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार थे। आरएसएस की शुरुआत 1925 में डॉक्टर केशव हेडगेवार द्वारा की गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक हिंदुवादी संगठन है। मोहन भागवत मौजूदा समय में सरसंघचालक हैं। दूसरे देशों के साथ हुए युद्ध में भी बड़ी भूमिका निभाता रहा है आरएसएस। और ट्रेड यूनियंस ने अपनी हड़ताल रद्द करने से इनकार कर दिया है। ट्रेड यूनियनों ने शुक्रवार को प्रस्तावित अपनी हड़ताल रद्द करने से इनकार कर दिया है। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। पीएम मोदी के साथ इस बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली, ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल और श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय शामिल थे। ट्रेड यूनियनों ने चेतावनी दी है कि शुक्रवार को देश भर में बैंक, सरकारी कार्यालय और कारखाने बंद रहेंगे। हालांकि रेलवे कर्मचारियों ने अभी तक यह संकेत नहीं दिया है।
ट्रेड यूनियनों ने शुक्रवार को देश भर में बैंक सरकारी कार्यालय बंद रखने की दी चेतावनी। ट्रेड यूनियन ने पिछले साल से सरकार पर अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर बना रही है दबाव। न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर 18,000 रुपए किए जाने की मांग भी है शामिल। भारतीय रेलवे यात्रियों को रेलवे में यात्रा करने का तोहफा देने जा रही है। भारतीय रेल 1 सितंबर से IRCTC की वेबसाइट पर अपना टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को बीमा की सुविधा उपलब्ध कराने जा रही है। रेलवे 1 रुपए से भी कम के प्रीमियम यानी 92 पैसे पर 10 लाख रुपए का यात्री बीमा देने जा रही है। IRCTC अपनी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ई टिकट बुक कराने वाले भारतीय रेलवे के सभी यात्रियों के लिए नई सुविधा शुरू कर रही है। भारतीय रेल एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। रेलवे 150 सालों से भी अधिक समय तक भारत के परिवहन क्षेत्र का मुख्य संगठन है। रेलवे में 16 लाख से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। भारतीय रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 में अंग्रेजों द्वारा अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए की गई। पाकिस्तान की तरफ से भारतीय हवाई सीमा के वायलेशन का मामला सामने आया है। पाकिस्तान की तरफ से भारतीय हवाई सीमा के वायलेशन का मामला सामने आया है। BSF के मुताबिक पाकिस्तान का एक प्लेन जम्मू के RSpura और अरनिया सेक्टर में नजर आया। हालांकि 4 मिनट में ही ये प्लेन अपनी सीमा में लौट गया। काफी नीचे उड़ान भर रहा था ये प्लेन। इंटरनेशनल बॉर्डर पर तैनात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान प्लेन को देखते ही हरकत में आए। 6 विंग्स और सिल्वर कलर वाला पाकिस्तान का प्लेन 4 मिनट में लौटा। घटना की रिपोर्ट दिल्ली में BSF हेडक्वार्टर्स को भेजी गई। इंडियन एयरफोर्स ने इस घटना के बारे में BSF से डिटेल में जानकारी मांगी। और खबर कानपुर से, कानपुर में सिकंदरा तहसील के प्रधान की दबंग गई, 9 निहालों पर भारी पड़ रही है। कानपुर में सिकंदरा तहसील के प्रधान की दबंग गई, 9 निहालों पर भारी पड़ रही है। ग्राम प्रधान ने निमदापुर प्राथमिक विद्यालय की रसोई पर ताला जड़ दिया है, जिससे बच्चों के लिए मिड डे मील नहीं बन पा रहा है। बच्चे या तो भूखे रहते हैं या फिर पढ़ाई का नुकसान कर खाने के लिए घर जाते हैं। दरअसल प्रधान अजय मिड डे मील बनाने वाली रसोईया मोहिनी और सामंत श्री को हटाना चाहता है और उनकी जगह अपने मन माफिक रसोइयों को रखना चाहता है। भारत में साल 1995 में शुरू की गई मिड डे मील योजना विश्व में इस किस्म की सबसे बड़ी योजना है। मिड डे मील पढ़ने वाले बच्चों की कुल तादाद के 79% को मिड डे मील हासिल होता है। कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों को दिया जाता है मिड डे मील। बुंदेलखंड को पहले सूखे ने तबाह किया और अब पानी इसको बर्बाद कर रहा है। बुंदेलखंड को सूखे के बाद अब पानी तबाह कर रहा है। झांसी के मोट मऊरानीपुर और गरोठा समेत कई इलाकों में बारिश से 90% फसल सड़ गई है। भारी बारिश से खेतों में तैयार तिल, उड़द, मूंग और मूंगफली की फसल पानी से सड़कर नष्ट हो गई है। बमोर ब्लॉक के रहने वाले किसानों का कहना है कि पहले सूखे से रबी की फसल बर्बाद हुई और अब बारिश से तिल, उड़द, मूंगफली की फसल अधिक पानी भर जाने से खराब हो गई है। सूखा पड़ा सो उससे सूख गई, फिर बारिश ज्यादा हुई, उसमें मटर थी, मसूर और राई, गेहूं सब सूख गए थे। अब तिली है, उड़द है, मूंग भी है, तो ये ज्यादा बारिश होने से ये भी खराब हो गई। फसलें कहीं कहीं नुकसान हुआ है फसलों का, उसका सर्वे करवाया जा रहा है। तिल और उर्द विशेष रूप से यही दो फसलें हैं। बुंदेलखंड में भारी बारिश से 90% फसल हुई बर्बाद। फसल बर्बाद होने से कर्ज में डूबे किसानों की बड़ी मुश्किलें। सूखे के बाद हुई भारी बारिश ने किया किसानों को बर्बाद। किसान सरकार से लगा रहे मदद की गुहार। यूपी का स्वास्थ्य महकमा लगातार मानवता को शर्मसार कर रहा है। यूपी का स्वास्थ्य महकमा लगातार मानवता को शर्मसार कर रहा है। पहले कानपुर के हैलेट अस्पताल में इलाज न मिलने की वजह से एक बच्चे की मौत हो गई। एक विकलांग और एड्स पीड़ित गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे की इसी संवेदनहीनता ने जान ले ली। मेरठ में एड्स पीड़ित महिला के साथ अस्पताल में किया गया दुर्व्यवहार। डॉक्टरों ने एड्स पीड़ित महिला के बेड पर पंपलेट चिपकाया। राजस्थान में एड्स पीड़िता का डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने से किया इनकार। इधर आगरा में शिक्षक पर छात्र को जूते चप्पल से पीटने का आरोप लगा है। आगरा में शिक्षक पर छात्र को जूते और चप्पल से पीटने का मामला सामने आया है। ये गंभीर आरोप लगा है जगदीशपुरा में रहने वाले शिक्षक अतुल पर।
आरोप है कि शिक्षक ने छात्र को बहाने से घर पर बुलाया और फिर चप्पलों से पीटा। छात्र के रोने की आवाज सुनकर जब पड़ोसी वहां गए तो शिक्षक ने उनके साथ भी हाथापाई की। मेरे संग मेरे को घर पर बुला के मारपीट करी गई। किसने मारा है? सर ने। क्या नाम है उनका? अतुल। क्यों मारा, क्या कारण है सर? कारण ये था कि कल मेरे दो दोस्त आए थे तो मैंने मजाक में कह दिया था कि उनके घर चले जाओ, उनसे पैसे ले लेना, है ना। तो सर उनने पता नहीं क्या क्या बढ़ा दिया सर, फिर इनने मुझे आज घर पर बुलाया सर, बहुत मारा है इन्होंने। शामली में पढ़ाई में कमजोर छात्र की शिक्षक ने की पिटाई। आजमगढ़ में फीस नहीं जमा कर पाने पर शिक्षक की प्रताड़ना से डिप्रेशन में आए छात्र ने दी। बुलंदशहर में एक भीषण बस हादसे में 3 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई और 40 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। बुलंदशहर में एक भीषण सड़क हादसे में 3 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई और 40 से ज्यादा लोग घायल हैं। हादसा कोतवाली देहात इलाके के चोला गाँव के पास उस वक्त हुआ जब तीर्थयात्रियों से भरी बस बुलंदशहर होते हुए मथुरा की ओर जा रही थी और सड़क के किनारे खड़े ट्राला से बस अचानक टकरा गई और बस के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। तीर्थयात्रियों को बमुश्किल सीटें काट कर बाहर निकाला गया। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी खड़ी थी और खड़े ट्रक पर चक्कर मार दी ड्राइवर ने। तेजी से फैल रहे डेंगू और चिकनगुनिया से हर दिन मरीजों की तादाद बढ़ रही है। दिल्ली और आसपास के शहरों को साफ पानी में पनपने वाले मच्छरों ने डराया हुआ है। डेंगू के बाद चिकनगुनिया का खौफ फैला हुआ है। दिल्ली में डेंगू के 487 मामले सामने आए हैं, वहीं चिकनगुनिया के 432 मरीजों की पहचान हुई है। चिकनगुनिया और डेंगू दोनों बीमारियां एक ही वायरस से होती हैं। साफ पानी में पनपता है इस वायरस का मच्छर। चिकनगुनिया और डेंगू का मच्छर पूरा दिन रहता है सक्रिय। तेज बुखार, त्वचा पर रैसेस पड़ना, बुखार आना मुख्य लक्षण। बचाव के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें और लंबी आस्तीन के कपड़े पहनें।